परमेश्वर ने जगत सो ऐसो प्रेम कियो कि बा ने अपनो इकलौतो बेटा दे दियो, जाते जो को बा पे विश्वास करे नाश ना होए परंतु अनंत जीवन पावे। परमेश्वर ने अपनो बेटा जगत में यालिए नाए भेजो कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु यालिए भेजो कि जगत बा के द्वारा उद्धार पावे। आज यह संसार में प्रभु यीशु मसीह के 1 अरब के अधिक अनुयायी हते। 400 संदेशन में मसीह विश्वास को आरंभ लिखो गए हुए, किंतु अन्य सुसंदेश दूसरी घटनान को या विनय घटनान को कछु और विधि ते लिखे हैं। यीशु मसीह की शीघ्र कथा लूका के सुसंदेशों लेनी गई है। प्यारे थियोफिलुस, मैं तो कम सौ एक एक करके बिन घटनान को लिख रही हूँ जो हम सब इनके बीच वही हैं, जाते तू सबरी बातन की सच्चाई पूरी तरह जान सके। जिन दिनान में अगस्तुस कैसर रोम को राजा धीराज और हेरोदेस महान यहूदिया को राजा हो, परमेश्वर ने नासरत नगर की एक कुमारी कन्या के ढिंग जिब्राइल नाम को एक स्वर्ग दूत भेजो, वह कन्या को नाम हो मरियम। ओ मरियम, डर पे मत, क्योंकि तू पे ईश्वर की कृपा भई है। तू गर्भवती होएगी और एक बेटा को जन्म देगी, वा को नाम यीशु रखियो। जी कैसे ऐसा कहे, मैं तो कुआरी हूँ। पवित्र आत्मा तो पे उतरेगो, जा कारण ते वो पवित्र बच्चा परम प्रधान ईश्वर को बेटा कहावेगो, बाकी राज्य को कबहु अंत ना होएगो। या ले मरियम अपनी चचेरी बहन इलिशिबा ते मिलवे, बाके गांव यहूदिया को गई जो पहले से ही अलौकिक रूप से गर्भवती थी। इलिशिबा, मरियम, बहना मरियम, तू सब औरतन में सबसे धन्य है और धन्य है वे बालक जाए तू जनेगी, क्योंकि जैसे ही मैंने तेरो नमस्कार सुनो मेरे गर्भ को बालक आनंद से उछर पड़ो। मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करतु है और मेरी आत्मा उद्धार करैया परमेश्वर में आनंदित भई। आपते शीघ्र वंश मोहि धन्य कह के बुलामेंगे। नासरत के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा सो गलील और यहूदिया के सब देशन के लोगन की गिनती होएगी, जाते शीघ्र लोग अपने पूर्व जनन के शहरन और गामन में जाए के तुरंत नाम लिखा में। और मरियम अपने मगेतर यूसुफ के संग नाम लिखवाए बे, यहूदिया के नगर बैतलहम पहुंची। कृपया हमको ठहरने के चाहिए कोई जगह दे दो। परंतु बैतलहम में बिनके रहबे को कोई जगह नहीं मिली, जो जगह मिली वो हती एक गौशाला। अवदेश के वह भाग में रात को कछुक चरवाए अपनी भेड़न को रखाए रहे हैं, वही समय बिन के अकारी एक सुरख दूत प्रकट भयो और बिन के चारों रंग परमेश्वर के तेज को भक्त उजितो है गयो। ठीक आज ही के दिना दाऊद के नगर में तिहारे ताई एक उद्धार करता जन्मो है, ख्रीष्ट प्रभु। और चरवाहे वही समय लड़ामने में जन्मे बालक के देखवे को निकली पड़े। याई ते कुवारी माता थे जन्मे मुक्त दाता को संदेश सुनावे वाले वे ही पहले व्यक्ति है। सात दिन पीछे जब बालक के खतना को समय आयो तब बाको नाम यीशु धरो गयो। यूसुफ और मरियम ने बालक को यरूशलेम ले जाए के परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत कियो। मंदिर में एक अच्छो भगत हो वाकू पवित्र आत्मा ने जीवचन दियो कि जब लोग वो मसीह को देखना लेगो तब लोग मरेगो ना है, वाको नाम हो शिमोन। अब तू अपने सेवक को अपने वचन के अनुरूप शांति ते विदा होन दे। क्योंकि मेरी आंखें ने तेरे उद्धार को देख लियो है, जी बालक ईश्वर की ओर से चुनो गयो है।
तुम दो आशीषित हो। और जब बिन्ने मूसा की विधि से अपने सबरे धार्मिक कार्य पूरे कर लीने तो वे यरूशलम से नासरत को लौट आए। जब बालक यीशु 12 वर्ष को भयो तो यूसुफ और मरियम बाकू फसेह को परब मनाए हुए काजे यरूशलम ले गए। जब वे जी समझ के घर को लौट रहे हैं कि बालक बिनके संग ही है तो यूसुफ पीछे रह गयो। तब वे बाकू ढूंढते भय फिर शहर को लौटे। तब जाए के कहूं तीसरे दिना मंदिर में धर्म गुरु और बड़े बूढ़े के बीच वाय पैठो पायो। ये कौन को बालक जो ऐसे प्रश्न पूछते है? जी नासरत को है। हमने सोचा जी हमारे संग चलो आया, कृपया जाके उस आगे क्षमा कर दियो। और वे सभी जिन्ने भाई सुनियो अचंभित भय। बेटा तेने ऐसा चौंकियो, तेरे बाप है और मैं ढूंढवे में बड़ी परेशानी भई और चिंता खूब भई। आप मुको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या आपको पता ना है कि मुको अपने पिता को काम पूरा करना है? और यीशु बिन के संग नासरत को आयो और वो बुद्धि और डील डॉल में मानुष और परमेश्वर के अनुग्रह थे बड़ो होते गयो। राजा धीराज तिबरियुस के राज के 15वें वर्ष में जब पैंतीस पिलातुस यहूदिया को हाकिम हतो और हेरोद गलील को राजा हतो और अन्नास और कैफा महायाजक हते, परमेश्वर को वचन मरुभूमि में यूहन्ना के दिन पहुंचो, वो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा को प्रचार करते भयो यर्दन नदी के चारों ओर के प्रदेशन में घूमने लगो। अपने पापन से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लियो तो ईश्वर तुम्हारे पापन को क्षमा करेगो। जैसे यहोशुवक्ता यशाया की पुस्तक में लिखो है, मरुस्थलमाई कोई चिल्ला रहो है, प्रभु के ताई रास्ता तैयार करो, बाकी यात्रा के लिए रास्ता सीधा बनाओ, हर एक घाटी जरूर भर दी जाए, हर एक टीले और पहाड़ अवश्य समतल कर दिए जाए, अरे तिरछे रास्ता जरूर सीधे कर दे जाए, उबड़ खाबड़ रास्ता सरल कर दे जाए, और सगरी मनुष्य जाति ईश्वर के उद्धार को देखेगी। हम क्या करें? हाँ, हमको बताओ कि हम क्या करें? ओ शाप के बच्चों, क्या चाहते हैं कि हम करें? हमको बताओ कितको मुनो है, जाके पास दो है, कमीज होए वो एक बामानस को दे, जाके पास ना होए और जाके पास भोजन है पाकू जरूर बांटे। गुरुजी, हम तो चुंगी लेवे वाले हैं, हम कहा करें? जो उचित है बासो ज्यादा मत लियो। और हमारे विषय में का है, हमको का करना चाहिए? काऊ ते जबरन पैसा मत लियो और ना काऊ पे झूठो दोष लगाओ, अपनी कमाई ते संतुष्ट रहो। हमको बता का तू ही किसते है? मैं तुमको पानी से बपतिस्मा दे तू, पर कोई एक आयरो है जो मुँह से ज्यादा महान है, मैं तो बाकी जूती खोल वे लायक ना हूँ, वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगो, बाको फटकना बाकी हाथन में है, जा से कि वो सगरे नाच को भुसीते अलग करके गेहूं को अपने कोठे में रखे।
पवित्र आत्मा यीशु पे कबूतर के रूप में उतरी हो। और सुरख से जी आकाशवाणी भाई कि तू मेरो प्यारो बेटा है, मैं तोते बहुत ही प्रसन्न हूं। जब यीशु ने अपनी सेवा आरंभ करी तब वे लगभग 30 वर्ष के है। वे पवित्र आत्मा ते भरे भई अर्दन ते लौटे और पवित्र आत्मा बिने मरुथल को ले गयो, जहां बिने 40 दिनालो शैतान द्वारा प्रलोभित कियो गयो, या बीच बिने कछु नाय खायो। और शैतान ने विनती कही, जो तू ईश्वर का बेटा है तो जब पत्थर दे कहे कि रोटी बन जाए। ऐसा लिखो है कि मनुष्य बस रोटी ते ही ना पर ईश्वर के प्रत्येक वचन ते जीवित रहेगो। फिर शैतान बिने ऊंचे स्थान पर ले गयो और पल भर में ही संसार के सबरे राज्य दिखाए। मैं तो कुछ शीघ्री सामर्थ और शीघ्रो धन दूंगू, जो शीघ्रो मोह सौंप हो गयो है, और मैं जाकू चाहूं बाकू दे सकूं। जो तू मेरी आराधना करे तो जो शीघ्रो तेरो है जावेगो। जी लिखे है कि तू अपने प्रभु ईश्वर को भजन कर और बस भाई की सेवा कर। फिर शैतान विनकू यरूशलेम ले गयो, मंदिर के सबसे ऊंचे स्थान पे ठड़ो गयो। जो तू ईश्वर को बेटा है तो तू अपने को यहाँ नीचे गिराए दे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अपने दूतन को आज्ञा करेगो कि तेरी ठीक ते रखवाली करें। वे जब भी कहते हैं कि वे तो को हाथन पर उठाए लेंगे कि तेरे पांव पत्थर दो घायल ना हो। शास्त्र कहे तू प्रभु अपने ईश्वर की परीक्षा मत ले। फिर वे नासरत को आए जहां वे बड़े भय है। ठीक हो? अच्छे हो? और विश्राम के दिना नियमानुसार वे आराधनालय को गए। और बिने यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में थे एक अंश पढ़िवे को दियो गयो। प्रभु की आत्मा मो पे हृदय चौंके, बाने मो को दीनन को शुभ संदेशो देवे के काजे चुनो है। बानी मां को भेजो है कि बंदीन को मुक्ति और अंधीन को फिरते दृश्य पावे की घोषणा करो। दवे भयन को स्वतंत्र कराओ और ये प्रचार करो कि समय आ गयो है कि जब ईश्वर अपने लोगन को बचा देगो। वो ठीक कहते हैं। शास्त्र को जे भाग साचो भयो है, जब तुमने वाय पढ़त भय सुनो। शास्त्र साचो साबित भयो, केवल मसीह ही वा प्रतिज्ञा को पूरी कर सके है। जी हम कैसे जानेंगे? निसंदेह आप पोते जी कहावत कहोगे। अरे बैठ तू अपने आप को चंगो कर, तुम वो तो जेव कहोगे
अपने देश में वही काम कर जो हमने सुनो हो के कफरनहूम में भये है। तो मैं तुमसे यू कहूंगो को भविष्यवक्ता हमने देश में कबू सम्मान ना पावे है। जी वचन कहकर यीशु ने अपनो परिचय दियो कि वे परमेश्वर के अभिषिक्त मसीह हैं और बिना लोगन के उद्धार को भेजो गयो है। पर जिन यहूदी ने बिना मसीह ना मानो वे बिल्कुल चट्टान प्रतिक्रमण चाह रहे, पर वे भीड़ के बीच में है के अपने मार्ग में चले गए। और गलील के एक नगर कफरनहूम में आए। वह समय पूर्व राष्ट्र रोम के अधिकार में हो और प्रजा एक लंबे समय से मसीहा की राह देख रही है जो भी ने अत्याचार छुड़ावे। तुमको शांति मिले। आपको भी गुरुजी। सिमोन, का मैं तिहारी नाव में आ सकूं हूं? क्यों नहीं, छोड़ के तो ना जा रहा हूं मैं। जा रहा होता हमसे बोलो, हमसे बतियाओ, हमसे बतराओ, हमसे बतराओ। एक बेब द्वय मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करवे को गए, एक फरीसी हतो और दूसरो चुंगी लेवे बारो। फरीसी अलग खड़ो है कि यूं प्रार्थना करवे लगो, हे परमेश्वर मैं तेरो धन्यवाद करूं हूं कि मैं और मनुष्यन की भांत लालची बेईमान और व्यवचारी नाय हूं। मैं तेरो धन्यवाद करूं हूं कि मैं जा चुंगी लेवे बारे की तरिया ना हूं। मैं सप्ताह में द्वय बेर उपवास करूं हूं, अपनी आय को दसवों भाग दे तू। पर चुंगी लेवे बारे ने दूर ठाड़े है के स्वर्ग में अपनो मुखू ना उठायो, पर अपनी छाती पीट पीट के जे कहो, हे ईश्वर वो पापी पे दया करो। मैं कहूं हूं कि चुंगी लेवे बारो न कि फरीसी ईश्वर की दृष्टि में धर्मी मान के घर को गयो। जो कोई स्वयं को बड़ो बनाएगो छोटो की हो जाएगो, और जो कोई छोटो बनेगो बड़ो की हो जाएगो। अपनी नाव को और गहरे जल में ले चलो, तब तुम और सभी साथी मछली पकड़ वे को चाल डालो। ओह गुरुजी, हमने सगरी रात कठोर परिश्रम कियो पर पायो कछु ना। पर तू ऐसो कहे है तो मैं अपनो जाल डाल देतू। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, अपनी नाव इसको लाओ, हमारी कछु मदद करो जल्दी। हम ना आए सके, हमारे हाथ भरे भए हैं। इतना भौत है, इतना भौत है। मेरे ढींगते चले जाओ प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं। तुम डरो मत, अब से तुम मनुष्य जाति को पकड़ोगे। मेरे ढींग आओ और मेरे वचनन को सुनो, मोई सुनो तो तुम जीवन पाओगे। प्रभु को खोजो जब तक वो मिल सके है, जब तक वो निकट है भाई पुकारो। दुष्ट अपने मार्गन को परित्याग करें और अधर्मी मनुष्य अपने विचारन को छोड़ें और ईश्वर के पास लौट आवे। परमेश्वर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि वे बिने पूरी तरह से क्षमा करेंगे। तुम आनंद सो बाहर जाओगे और शांति में अगुवाई पाओगे। वो आए रहे हो है।
प्रभु इसको है, देखो यीशु, यीशु, मैं विनती करूँ मेरी इकलौती बेटी को बचाओ। सीमन तय करो, वो मात्र 12 साल की है और वो मर रही है, कृपया मेरे संग चलो। यार वो बहुत दुख है यीशु, तुम्हारी बिटिया मर गई, गुरुजी को परेशान मत करो। डरो मत, केवल विश्वास करो वो ठीक है जाएगी। जी मरी नहीं परंतु सो रही है। बेटिया उठ जा। बाकू खाए को कुछ दो, मैं आदेश दे तू कि जो यहां भयो काउते कहियो मती। या के बाद वाने मत्ती ले भी नाम के चुंगी लेने वाले को द्वार पे बैठ के चुंगी लेते भयो देखो। मेरे पीछे आओ, पहाड़ी पे प्रार्थना करीबे को गए और सबरी रात प्रार्थना करीबे में बिताई। जब दिन निकसो तो बिन ने बिन बारहन ते भेंट की नी जिनकू प्रेरित को पद दियो। शिमोन जाको नाम बिन्ने पतरसू धर्यो और वाके भैया अंद्रयास। याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बर्तुलमई और मती और थोमा। हलफाई को बेटा याकूब और शमोन जाय जलोतसु कहो जातो हो और याकूब को भैया यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो दगाबाज हो।
धन्य हो तुम जो दीन हो, जो परमेश्वर का राज तुम्हारो है। धन्य हो जो तुम अबू भूखे हो, तुम तृप्त करे जाओगे। धन्य हो तुम जो रोवत हो, चौक तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब लोग तुमसे घृणा करें, तिरस्कार करें, अपमानित करें और सब प्रकार की बुरी बातें मनुष्य पूत के कारण कहें। ऐसे हवे पे आनंदित हो और प्रसन्नता से नाचो, चौक स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, बिनके पुरखान ने भविष्य वक्तान के संग जय किए हो। सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, वो पे तो जय ही है। त्यारे दिन जय है और देव ना। आए तुम पे जो अब धनवान हो, चौके तुमने चैन को जीवन पा लियो है। वो धनी ना बनना चाहे, वो पागल होएगो। हाय तो पे जो अब हसत है कि विलाप करेगो और रोबेगो। हाय तुम पे जब सगीरे लोग तुम्हें भलो कहें कि बिन के पुरखान ने झूठे भविष्य वक्तान के विषय में वैसी ही बातें कही, पर मैं तुमते जो मोई सुने हैं कहूं, अपने दुश्मन ते प्रेम करो, अपने घृणा करे वारे इनको भलो करो, साफ देवे वारे को आशीष दो और बुरो व्यवहार करवे वारे के लिए प्रार्थना करो। जो को तिहारे एक गाल पे चांटो मारे तो भाई दूसरे गाल पे मारन दो। और जो को तिहार अंगरखा ले लेवे बाकू अपने कुर्ता ले लेन दो। हर एक जो तुमसे मांगे बाकू दो। जो को तिहारी वस्तु छीन ले बातें लौटा दे की मती कहो। और उनके संग वो ही करो जो तुम चाहो हो कि वे तुमसे करें। यदि तुम केवल अपने प्रेम करवे वारन से हो प्रेम रखो हो तो तुमको आशीष चौ मिलनी चाहिए। पापी ही अपने प्रेम रखे वारन से प्रेम रखे हैं। जब तुम सिर्फ भलो करवे वारन को ही भलो करो हो तो तुमको आशीष चौ मिलनी चाहिए। पापी भी तो वैसा ही करे हैं। वो बात कैसे छू सकते हैं, वो बातें कैसे बतला सके। जी सर मनाक। ना भाई अपने शत्रुओं से प्रेम करो और इनको भलो करो, कछु वापस आवे की आशा रखे बिना उधार दो, तब तुम्हें बड़ो प्रतिफल मिलेगो, क्योंकि तब तुम परम प्रधान ईश्वर के पुत्र होगे, क्योंकि वो कृतघ्न और दुष्टन के काजे भलो है। दयालु बनो जैसे तुम्हारा पिता परमेश्वर दयालु है। हमको बचाओ यीशु। जांच मत करो तो तुमको ना जांचो जाएगो। दोष मत लगाओ, तुम पे दोष ना लगाओ जाएगो। क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा किया जाएगो। प्रभु हमको अपनी राह पे चलाओ। देव तो तुम्हें उदी हो जाएगो। जहां नाप से तुम देोगे भाई नाप से तुम्हें वापस लौटाया जाएगो। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग ना दिखा सके, यदि वो ऐसा करे है तो दो गड्ढे में गिरेंगे। तू अपने भाई की आंख के लट्ठा छो देखे है परंतु अपनी आंख के तिनका माऊ ध्यान छो ना दे। हमारा मार्गदर्शन करो गुरुजी। प्रभु हमको तिहारी जरूरत आते। वो मैया कितनी धन है जाने तो कुछ जन्म। वो मैया कितनी धन है जाने तो कुछ जन्म दी और पालो। बेहतर वे कितने धन है जो ईश्वर को वचन सुने और पालन करें। मैं जापान इसको जानना चाहूँ। कहा तू सोचत है कि वो मसीह हो वो। या फरीसी ने यीशु रात के भोजन को बुलायो और यीशु वाके घरे जाए के भोजन करबे को बैठे। बालको इतकू आप यहाँ से दूर चले जाओ। तुमने सुनी ना जाओ किंतु जितना उदम है सके वो करत रहते। वो जालम का कर रही है। वो है ना पता।
चौची मानुस वास्तव में भविष्य वक्ता हो तो अब वो जानतो कि वो मैयर कैसी है जो भाई छू रही है। जीव जानतो कि वो कितनो पाप भरो जीवन जी रही है। सिमोन मैं जानू हूँ जी औरत कौन है। मुझे कछु कहन दो। दो मनुष्य जो काऊ उधार लेवे वाली के कर्जदार है, एक 500 दूसरो 50 चांदी के सिक्कान को ऋणी हो, दो उनमें तो कोई लौटा ना सकते हो तो बाने दो उनको ऋण क्षमा कर दियो तो कौन बातें ज्यादा प्रेम करेगो। मैं सोचू कि जाकू ज्यादा क्षमा की हो गया और बुरी होगो। तू ठीक कहे है। जा औरत को देखे है। मैं तुम्हारे घर में आया, तूने मेरे को पांव धोबे को जल भी ला दियो, पर जाने अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए और अपने बारन ते पहुंचे हते। तैने चुम्बन दे के मेरे स्वागत ना कियो, पर जब ते मैं आया हूं बाने मेरे पामन को चूमनो ना छोड़े हो। तैने मेरे मूल पे तेल ना मले हो, पर बाने मेरे पामन पे तर मले है। तो मैं कहूं हूं कि बाने जो प्रेम दिखाया हो वो प्रमाणित करे है कि बाकी बहुत तेरे पाप क्षमा भे, पर जाके थोड़े पाप क्षमा करे गए वो थोड़े ही प्रेम दिखावे है। तेरे पाप क्षमा भे, तेरे विश्वास ने तो बचा लियो, शांति से जाओ। यीशु परमेश्वर के राज्य के शुभ समाचार को प्रचार करते भय घूमने लगे। 12 शिष्य इनके संग चले और कछु महिलाओं हथी जिनको वाने दुष्ट आत्मान से छुड़ायो हो। मरियम जो मगदलिनी का हम थी, यो अन्ना जको पति खोजा हेरोदेश के दरबार को भंडारी हतो, और सुसन्ना। पर रोमी राज्य से नियुक्त गलील के शासक हेरोदेश ने यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाले को कारागार में डाल दियो, क्योंकि वाने अपनी भाभी से ब्याह करने के कारण बाकी निंदा करी थी। और जब हम नैन नगर के द्वार पर पहुंचे, एक छोरा की सब यात्रा बाहर आई, मृतक एक विधवा को अकेलो ही छोरा हतो। जो ही येसु ने विधवा को देखो तो बिन की आत्मा करुणा से भर गई। बिन ने कांटी को छुआ के कहो, हे छोरा मैं कहतू तू उठ जा, तो मृतक उठ बैठो। और यीशु ने भाई बाकी मैया को दे दियो। बातें पूछो, कहो यूहन्ना ने जा आवे वारे की कही वो तू ये का, या हम काऊ और की बाट देखें। गुरुजी, गुरुजी, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाले ने जे पूछवे को भेजो है कि आप ही हो जो आवे वाले हो, या हम काऊ और की बाट देखें। जो तुमने देखो और सुनो जाएगी यूहन्ना ते कहो। आंधरे देख सके हैं, लंगड़े चल सके हैं, कितने खुश हैं बे जिनको वो पे कछु संदेह ना आए। वो ऊपर उठाओ, मेरे कंधे पे आओ। का तू अब देखे? हाँ, अब मैं इसे देख सकूंगी। एक बीज बोए भी बारो, बीज बोए भी निकरो, और जब वो बीज बखेर रहे हो तो बिन में ते कछु रस्ता पे जाए गिरे और रोंदे गए, और आकाश के पक्षियों ने बिन को चुंग लियो, और कछुक बीज पथरीली भूमि में जाए गिरे, और जब पौधा फूटे तो बिन को जलना मिलवे ते मुरझाए गए, और कछुक बीज कांटे में जाए गिरे, और कांटे भी उन पौधान के संग बढ़वे लगे, और बिन को दबा लियो,
और कछुक बीज अच्छी माटी में जाए गिरे और पौधा उगे और फलवंत भए हर एक 100 गुने अधिक। गुरुजी, जब भीड़ जोरे होते तो दृष्टांतन में चो बात कर तो ईश्वर के राज की गुप्त बातन को भेद जानवे की समझ तो दीनी है, पर औरन को दृष्टांतन के द्वारा सुनाया जातो है कि वो देखत भय ना देख सके हैं और सुनते भय ना समझ सके हैं। बताए भाई, दृष्टांत को मतलब जे है। बीज तो ईश्वर को वचन है, रस्ते पे गिरे बीज बिन दर्शा में है जो वचन तो सुने हैं, वह शैतान बिन के हृदय ते वचन चुराए ले है जाते वो बिन को विश्वास करके उद्धार पावे ते वंचित रखे। पथरीली भूमि में गिरे बीज बिन को दर्शा में है जो वचन को सुन के खुशी ते अपना में है, पर बिन में जड़ना है वे ते थोड़े काल न विश्वास करे हैं और जब परीक्षा की घड़ी आवे है तो गिर जाए हैं। कांटेन में गिरे बीज बिने दर्शा में है जो सुने हैं, पर जा जीवन की चिंता धन और भोग विलास बिन को घेर के दबाए देते है और बिन को फल कबू ना पके है। और अच्छी भूमि पे गिरे बीज बिने दर्शा में है जो वचन सुन के अच्छे और आज्ञाकारी हृदय में धर रखे हैं और जब तक वे फल नायला में बने रहते हैं दियो जराय के को बाय बर्तन ते ना ढके है ना ही खाट के नीचे राखे है, पर वो वाकू दीवट पे राखे है जाते लोगन को भीतर हाईवे पे उजियार और दीस है। जो कुछ छुपे है वो बाहर लाया जाएगो और जो ढको है बाय ढूंढ के उजियारे में लाया जाएगो। या लिए चौकस रहो के त्योहार सुन वो कैसो है, चौके जाके ढिंग हतो बाकू और दियो जाएगो और जा पे ना हत बातें बहु ले लियो जाएगो जाएगो अपनो समझे है। गुरुजी, त्यारे मैया और भैया भाट ठाड़ी हुए हैं, वो तुम तो मिलना चाहे। मेरी माँ और भाई बेई हैं जो परमेश्वर को वचन सुने हैं और माने हैं। एक दिन यीशु अपने शिष्यन के संग एक नाव में बैठे और बिनते कही, आओ हम झील के वा पार चलें। और जब शिष्य नाव चलाए रहे हैं तो वे गहरी नींद में सोए गए। तुम्हारा विश्वास कहां है? फिर वे गरासेनिया के देश पहुंचे जो झील के व्यापार गलील के सामने है। ईसु परम प्रधान परमेश्वर के बेटा,
तुम होते का चाहत है। मैं विनती करता हूँ मुझे दंड मत दो। तेरा नाम कहाँ है? सेना प्रभु हम विनती करते हैं हमको ओड़े गड्ढे में मत डारो। बिन सुगरन के झुंड में हमको जामन दे। तब दुष्ट आत्मान ने आदमी में ते निकल के सुकरण में प्रवेश कियो। याद है चलो जा। ए जादूगर हमको छोड़ दे। या जगह तो चलो जा, छोड़ दे हमें। या तो चलो जा। जहां तू जावेगो मैं तेरे पीछे आऊंगो। मुख अपने संगा बन दो, घर लौट जा और बता तेरे लिए ईश्वर ने कहा कि हो। यीशु और बाकी चेला भीड़ से अलग है के बैतसैदा को चले गए। पर भीड़ आए जान गई और बिनके पीछे है ली। जब दिन ढलबे लगो तो पतरस ने कही, गुरुजी, लोगन को भेज दियो जाते वे अपने यहाँ आस पास के कामन और खेतन में जामे और अपने खाएबे और रहबे को ठिकानो ढूंढ ले, जे तो एकांत ठौर है। तुम स्वयं ही कछु बिन को खाएबे को दियो। पर हम पे तो बस 5 रोटी और 2 मछली ही है। धन्य है तू है प्रभु हमारे ईश्वर, सृष्टि के राजा, जो धरती पे अन्न उपजावे है। ये तो एक चमत्कार है। आप सोच रही है लोग वो को कहा कहे हैं? कछु कहा था कि तुम यहुन्ना बपतिस्मा देवे बारे हो और दूसरे कहे हैं तुम एलिया हो, जबकि और उनको कहनो है कि पुराने भविष्य वक्तान में ते एक फिर जिंदा है गयो है। और तुम्हारी समझ में मैं कौन हूं जो तुम कहो हो? आप परमेश्वर के मसीह हो। जाए तुम काउ तो मत कहियो।
अवश्य है कि मानसपूत बहुत दुख उठाए और त्याग हो जाए, वो मार डालो चाय को। पर तीन दिना के बाद फिर जीवित हुए ठेको। का तुम मैं ते को मेरे संग आनो चाहे? मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा गुरुजी, पर पहले मुझे जान दियो और परिवार ते विदा लेन दियो। जो को हल पे हाथ रख के पीछे देख तो रहे है वो परमेश्वर के राज्य के जोग ना है। जो को मेरे पीछे आनो चाहे वो अपने आप विश्रावे, अपनो क्रूस उठावे और प्रतिदिन मेरे पीछे चले। क्योंकि जो को अपने प्राणन को बचावेगो वो बिन को खोवेगो, और जो को मेरे ताई अपने प्राण खोवेगो वो बाय बचावेगो। यदि मानुष शीघ्र जगत को पाए ले और अपने प्राणे खो दे तो बाप कहा लाभ। यदि कोई मानुष मोते और मेरी शिक्षांत ले जावे को तो मानुष को बेटा अपनी और स्वर्गीय पिता और पवित्र दूतन की महिमा के संग आवेगो तो बातें ले जावे को। मैं निश्चित कहूं कछु न ऐसे हैं कि जब लोग परमेश्वर के राज गुनाए देखें बिन की मृत्यु ना होगी। तब यीशु ने यूहन्ना याकूब और पतरस को अपने संग लियो और पहाड़ पर प्रार्थना करने कुछ चले गए। और जब वे प्रार्थना कर रहे हैं तब बिनके मुखमंडल को रूप बदल गयो और बिनके वस्त्र उजरे है के चमकने लगे। अचानक ही दो मानुष प्रकट भए और बिनते बतराने लगे जे मूसा और एलिय्याह है जो स्वर्ग की महिमा सहित प्रकट भए। आप ईश्वर को उद्देश्य पूरो करोगे, तिहारी मृत्यु यरूशलम में होगी। और जब वे जा रहे हैं तो पतरस ने यीशु से कही, गुरुजी, जे कितनो भलो है कि हम यहां हैं। हम तीन तंबू बनावेंगे, एक आपके ताई, जैसे ही पतरस बोलियो एक मूसा के काजे, एक बदली बिन पे छाए गई, एक एलिय्याह के ताई। और चेला बहुत भयभीत है गए। तभी बादल में ते एक आवाज आई कि जी मेरे प्यारो बेटा है या है मैंने चुने हुए है या कि सुनो। विनय कर तू मेरे बेटा पे कृपा करो, कृपया कृपया बाकी सहायता करो। चौकी बू मेरा अखेलो बालक है, त्यारे शिष्यन से मैंने दुष्टात्मा को निकार दे की विनती करी पर मैं ऐसो ना ही कर सके। हे अविश्वासी और टेढ़े वंश के लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र नहीं ला। Yeah.
ठीक है ना? कितना आश्चर्य है। हमको प्रार्थना करना सिखाओ, जैसे यहुन्ना ने अपने चेलान को सिखाई। जब तुम प्रार्थना करो तो यूं कह करो, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरो नाम पवित्र मानो जाए, तेरो राज आवे, तेरी इच्छा जातरियां स्वर्ग में पूरी हुए वैसे धरती पे हुए, हमारे दिन भर की रोटी प्रतिदिन हमको दो, और हमारे अपराधन को क्षमा करो जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करे हैं, और हमें परीक्षा में मत पड़न दो परंतु बुराई से बचाओ। मांगो तो तुमको दियो जाएगो, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोलो जाएगो, क्योंकि जो मांगे है वाय दियो जाए है, और जो खोजे है वो पावे है, और जो को खटखटावे है बाके लिए द्वार खोलो जाए है। तुम में तो ऐसे कौन से पिता होगा जो अपने बेटा है मछली मांगवे पे बाय सांप दे, या अंडा मांगवे पे बाय बिच्छू दे। तुम चाहे जितने बुरे हो, अपने बच्चान को भली चीज देनो जानो हो, तो जी किसी एक विशेष बात है कि स्वर्गीय पिता अपने मांगवे बारे इनको पवित्र आत्मा देंगे। मैं तुम तुझे कहूं हूं कि तुम अपने जीवन में चिंता मत करो कि कहां खाओगे, ना देह के लिए कि कहां पहरोगे, क्योंकि प्राण भोजन थे और शरीर बसते बड़के हैं। कौन पे ध्यान दो, वे ना बोबत हैं और ना काटत हैं और ना बिन के भंडार हैं, तो परमेश्वर बिने खवावे हैं। तुम तो पक्षीन ते बहुत अधिक मूल्यवान हो, तुम में ते कौन चिंता करवे ते अपने जीवन की आयु बढ़ा सके। जब तुम इतने छोटा सा काम न कर सको तो शेष बातन की चिंता क्यों करो। सोसन को फूलन को देखो कि वे कैसे बड़े हैं, वो न तो श्रम करे हैं ना बुने हैं, तो राजा सुलेमान अपनी सबरी महिमा में बिन में ते एक केव जैसा सुशोभित ना हो। यदि ईश्वर जंगली घास को जो आज है और कल आग में डारी जाएगी ऐसा पहना में है, तो कितने अधिक निश्चित है कि वो तुम्हें भी पहरा देगो। आए कम विश्वास बारे हो। हमारे विश्वास क्यों बड़ा? ये तो राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो ये जा सहतूत के पेड़ ते कह दो कि जड़ते उखड़ जा और अपने आप समुद्र में लग जा, तो वो तिहारी बात मान ले। तो पाप करवे को प्रलोभन तो निश्चय ही आवे वो, पर हाय बापे जाके द्वारा वो आवे है, जो इन छोटे में ते काऊ एक के लिए पाप को कारण बने हैं, बाके काजे जे बेहतर हो तो के बाके गले में पत्थर लटका के समुद्र में गेर दियो जाए। परमेश्वर का राज काय की तरिया है, वो ऐसो है काऊ मानुष ने सरसों के दाने लय और बिनकू अपने खेत में बो दियो, और वो बड़ के पेड़ है गए, और आकाश के पक्षियन ने बाकी डारन पे बसेरो करो। मुकु ना पता वो का बात कर रहे हो। तुम चुंगी लेवे बारे और अन्य बहस करतन के संग चौखाओ पियो हो।
भले चंगन को वैद्य की आवश्यकता ना है, पर केवल बिन को जो बीमार है। मैं आदरणीय जनन को पश्चाताप करवे को ना बुलाऊ हूँ, बहिष्कृतन को बुलाऊ हूँ। सूरत के राज्य के बारे में हमको और बताओ, क्या कसूर है? ए छोटे झुंड, डरो मत, कि तुम्हारे पिता तुमको राजदेवे को राजी है। जो कछु तुम्हारे पास है भाई, बेच के पैसा गरीबन में बांट दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुरानो ना होए। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां वो घटे ना। कोई चोर बा के पास पहुंच ना सके और कोई कीला बाय नष्ट ना कर सके, क्योंकि तुम्हारो जहां धन है वहां मनहू लगो रहे गो। ए नारी, तू अपनी बीमारी ते छूट गई। देखो देखो जी, अच्छी है गई जी, जम्बो है गो, आओ देखो जी, अच्छी है गई। पापा प्रभु की प्रशंसा हो, 18 बरस की बीमारी ईश्वर तो सुखी रखे। 6 दिन आए जिनमें हमें काम करना चाहिए, 100 दिन में थे 1 दिन अस्वस्थ है भी के ले आओ, पर विश्राम के दिना नहीं। अरे कपटी लोगो, का सबत के दिना तुम में तो कहू अपने बैल अथवा गधा को खूटाते खोल के पानी पिवावे ना ले जा। अन्य इब्राहिम के वंश की नारी जय शैतान ने 18 साल तक बंधन में रखी, का सबत के दिना स्वतंत्र ना करने चाहिए ही। अच्छा गुरु जी, अनंत जीवन पाएवी को मोय कहा करनो है? तुम मोय भलो चौका हो, केवल परमेश्वर को छोड़ के कोई अच्छो ना है। तुम आज्ञान को जानो हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, काऊ पर झूठा दोष मत लगाओ, अपने माता पिता को आदर करो। मैं लड़कपन ते इन सब आज्ञान को मान तो आयो हूँ। अब हूँ एक काम है जाए तो करनो है, अपनी सबरी संपत्ति बेच के धन गरीबन को दे और तू स्वर्ग में धन मिले को, फिर आए के मेरे पीछे हो ले। पर हम हैं व्यापारी और धनवान। धनवान को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितनो कठिन है। परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करवे ते ऊंट को सुई के छेद में ते निकल वो आसान है। फिर को बच सके जो मानुष ते संभव ना है, सो ईश्वर ते संभव है। ईश्वर को राज ठीक कौन से स्थान पर हुए हो? परमेश्वर को राज यात्रियां ना आवेगो के दिशे को जीना कहेगो कि देखो वो वहां है या यहां है, क्योंकि परमेश्वर को राज तुम्हारे भीतर है। समय आवेगो जब तुम चाहोगे कि मानस पूत के दिनन में ते एक को देख सको, पर न देख सकोगे। जैसे बिजली आकाश में चमक के एक लंग से दूसरी लंग तक उजियारो करे है, तैसे ही मानुष पुत्र अपने दिन में ही प्रकट हो गए को। पर पहले अवश्य है कि वो दुख झेले और जा झुक के लोगन से नकारो जाए। आकाश और पृथ्वी को टलवो सहज है, परंतु जो बातें व्यवस्था में लिखी हुई है वो अवश्य पूरी होंगी। क्योंकि मैं तुमसे कहूं कि जो बातें बहुत से राजा और भविष्यवक्ता ने देखनी चाहिए और ना देखी, जो सुननी चाहिए और ना सुनी, जो तुम देखो हो और सुनो हो। हम कहा करें? धर्मशास्त्र कहा कहे है? तुम या को अर्थ कहा निकाल हो? तू अपने परमेश्वर को अपने सबरे हृदय, सबरी जान, सबरी सामर्थ और सबरे मन से प्रेम करो और अपनी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तू ठीक कहे है, ऐसो ही कर तो तू जीतो रहेगो। मेरा पड़ोसी को है वो सिपाही ना है। कैसर के बारे में कहा?
एक बेर एक मनुष्य यरूशलेम ते यरहू जा रहे हो, तभी डाकू ने बापे आक्रमण कियो, कपड़ा उतारे, मारो और अधमरो छोड़ के चले गए। भाई समय एक धर्मगुरु मां आयो, माने भाई देखियो और कन्नी काट के चलो गयो। यही तरिया एक लेवी मां आयो, बहु भाई देख के मोड़ो फिर के चलो गयो। भाई समय ऐसो भयो के एक सांवरी भाई मार्ग सुझा रहे हो, बाने बाप घायल मनुष्य को देखो और बाप को हृदय करुणा ते भर गयो। वो बा मनुष्य के पास आयो और घावन पे तेल और दाखरस मल के बाके पट्टी बांधी, फिर अपनी सवारी पे बैठा के धर्मशाला ले गयो। वहाँ बाकी देख रेख की नहीं, दूसरे दिन मालिक को दो चांदी के सिक्का दीने और बा मनुष्य की देखभाल करबे को कहो और जेऊ कहो कि जब मैं लौट के आऊंगा तो शेष जो कछु खर्चा होगा बाकी भरपाई कर दूंगा। इन तीनों में से कौन ने घायल आदमी के प्रति पड़ोसी को धर्म निभायो? जब इन पे दया बने तो तुम वैसा ही करो। आह छोटे बालकन को मेरे पास आमन दो, बिने नहीं मत करो, क्योंकि परमेश्वर को राज बिन को जैसो ही है। मैं तुम ते सांची कहूं हूं, जो को परमेश्वर के राज को बालक की तरह नाय ग्रहण करे वो मां में कबू प्रवेश नहीं कर सके। जो को मेरे नाम में जा बालक को स्वागत करे है वो मेरो, और जो मेरो वो मेरे भेजे बारे को स्वागत करे है। तुम में ते जो सबसे छोटो है वो ही सबसे महान है। अरे कहाँ है रे ओए, ये कौन जा रहे हैं? ये सुनासरी इसी मार्ग से जा रहे हैं। यीशु, यीशु, दाऊद के बेटा वो पे दया करो। तुम कहा चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मैं फिर देखबो चाहत हूं। फिर देखो, तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगो कियो। मैं देख सकत हूं, वो दिखत है, मको दिखत है। जब यीशु यरूशलेम की डगर पर जा रहे बिन्ने हर ठिया पे भारी भीड़ पाई, लोग बिनते मुक्ति को मार्ग दिखाई को और परमेश्वर के राज के विषय में अधिक बतलाए को कह रहे। ये माने पांच मार्च को भविष्य वक्ता है। अरे प्रभु और गुरु जी मगू बचाओ। की प्रभु हमको सांची राह दिखाओ। लोगन ने यीशु को राजा और प्रभु मानिबो आरंभ कर दियो हो। यदि हो मैं जकई नाम को एक चुंगी लेबे वारो बिल्कुल देखबे को इतरो आतरो हो कि भीड़ ते अलग है के पेड़ पे चढ़ गयो। जी तो चुंगी लेबे वारो है। तुरंत नीचे आओ जकई, क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर में ठहरूंगा। मेरे घर में? वो बाप के घर में रहवा चाहेगा। जकई यीशु को कैसे जानतो है? सुनो, मैं अपनी आधी संपत्ति है गरीबन को दे दूं, और यद काव को ठगियो हो तो मैं बाहर चौकनी लौटाए दूंगा। <ओ, laughs>
मोहन विश्वास ना है, एक चुंगी ले वारो अपनी चुंगी लौटाए दे, असंभव। आज जा घर में उधार आयो है, चौक जी मानुष इब्राहिम के वंश को है, मानुष पूत खोए भय इनको ढूंढवे और बचावे आयो है। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं, जहां मनुष्य पुत्र के लिए जो कछु भविष्य वक्ता ने लिखो है सबरो पूरा है जाएगो, वो अन्य जाते इनके हाथन में सौंप जाएगो, वो बापो ठट्टा करेंगे, अपमानजनक व्यवहार करके बापे थूकेंगे, कोड़ा मारेंगे और बापू मार डालेंगे, पर वो तीसरे दिन फिर जी उठेगो। और यीशु ने जड़ निश्चय थे यरूशलेम का मार्ग लियो, यीशु जानतो हो कि मानुष जाति के पापन के काजे वो मारो जाए बेवार हो, तब बाने यरूशलेम का मार्ग लियो। मुक्तरन ने बिनके आयदे पे खुशी मनाई और बिनकू अपने राजा घोषित कियो। अपने शिष्य को आज्ञा दो कि चुप रहे। मैं कहूं कि ये दो चुप रहेंगे तो पत्थर अपने आप ही चिल्लावे लग जाएंगे। शांति, आदर, सुख। यीशु यरूशलेम के जोरे आए और जब वाय देखो तो वाके लय रोए। यदि केवल तेने आज के दिन शांति की राह को जाने हो तो जामे तू असफल रहो है। वे दिन आमेंगे जब तेरे दुश्मन तेरे चारों लोग मोर्चा बांध के तो घेरेंगे और सभी ओर ते दबाव डाल के कुचलेंगे और इन्हीं दीवारन के बीच तेरो विनाश करेंगे, तेरो और तेरे बच्चान को, और वे तुम्हें पत्थर पर पत्थरू नाय रख छोड़ेंगे क्योंकि तेने अपने उद्धार के समय को नाय पहचाने हो। यरूशलेम को पवित्र मंदिर आराधना स्थल होने की बजाय व्यापार को केंद्र बन गए हो। पाँच छः सात आठ नौ दस सत्रह बाईस तेईस चौबीस। धर्मशास्त्र कहे हैं, मेरो घर प्रार्थना को घर होगो और तुमने जाय डाकू इनकी गुफा में बदल दियो है। कछु राज नेतान और धार्मिक गुरुवन के बीच यीशु को विरोध बढ़ो क्योंकि लोगन ने यीशु राजा कहकर पुकारियो हो। मैं समझतू कि भौतन ने बाकू राजा मान लियो है। राजा
भिकारियन वैश्यान चरण को राजा, बाकी तेरे हमने पहले देखे, वो आए के अपनो दावा करके चले जाते हैं, बिछराए जाते हैं। आंधरे मत बनो, वाके अनुयायी प्रतिदिन बढ़त जाते हैं, लोग बाकी प्रशंसा करते हैं। और समझते कि वो राजा है। मैं तुमको चेतावनी दूं कि यदि जामानुस ने अगारी शांति भंग करी तो मैं तुमको देख लूंगो। शायद ही सांच कहा था, समय है कि गलीली को सामना किया जाए। और जो जो पाखंडी पंडितन और फरिसियन के गुट बाके द्वारा लगाए गए दोषन में फंस में लगे, क्यों तो यहूदीन में बाके अनुयायीन की संख्या बढ़ी और याई तरिया बाको विरोध हु, जिनको बाने दोषी ठहरायो। यीशु ने मंदिर में एक बहुत ही गरीब विधवा द्वे तांबे के सिक्का दान में डालती भाई देखी। ये तो बहुत थोड़ो है, तुम और ना दे सको। मैं तुमसे कहूँ हूँ, जिचा गरीब विधवा ने और सभी से अधिक धन दियो है, क्योंकि और अन्य अपने बचे हुए धन में से अपनी भेंटे नहीं है, पर जी चाहे कितने गरीब है जाने अपनी सबरी कमाई डार दी नहीं है। हमको बता जे कहवे को तो कू का अधिकार है, ऐसा अधिकार कौन ने दियो। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करूं हूं, यहूना को बपतिस्मा देवे को अधिकार ईश्वर से मिलो या मानुष से? हम कहा कहेंगे? यदि कहें ईश्वर की ओर से तो वो कहेगो क्यों यहूना पे विश्वास नहीं करता। परंतु यदि हम कहें मानुष की ओर से, जो सगरी भीड़ हम पे पत्थर फेंकेगी, वो सगरी जाना थे यहूना भविष्यवक्ता तो हम ना जानते कि वो कहां से आयो। मैं तुमको ना बताऊं कि ये काम मैं कौन के अधिकार से करूं हूं। एक बेर एक आदमी ने अंगूर की बारी लगाई और बाय ठेका पे दे दियो और बहुत दिन के लिए घर छोड़ के परदेश चलो गयो। जब अंगूर इकट्ठे करवे को समय आयो, माने एक दास ठेकेदारन के पास भेजो कि बिनते अपनी पैदावार को अपना भाग प्राप्त करे, पर ठेकेदारन ने दास को पीट के खाली हाथ लौटा दियो। जालिए बाने दूसरो दास भेजो, पर ठेकेदारन ने बाकू भी मारियो, अपमानजनक व्यवहार कियो, बिना कछु दिए लौटा दियो। तब बाने तीसरे दास को भेजो, पर ठेकेदार ने बाई भी घायल करके बारी के बाहर फेंक दियो। फिर अंगूर की बारी के मालिक ने अपने मन में सोचो, अब क्या करूं, अब मैं अपने प्यारे बेटाए भेजूंगो, वे अवश्य बा को आदर करेंगे। जब ठेकेदार ने बाई आम तो देखो तो बिन्ने आपस में विचार करो, ये तो मालिक को छोरा है, आओ हम जाए मार डारे तो जाकी संपत्ति हमारी है जाएगी। हमको और बताओ। जानिए बिन्ने बाय बारी के बाहर फेंक दियो और मार दियो, जाके बाद बारी को मालिक बिन ठेकेदारन के संग का करेगो, वो आवेगो और बिने मार डारेगो और ठेका दूसरे ठेकेदारन को दे देगो। तो शास्त्र के जा बचन को का अर्थ है, जो पत्थर राजमिस्त्री ने व्यर्थ समझ के फेंक दियो वही पत्थर सबसे महत्वपूर्ण निक्षो, प्रत्येक जो या पत्थर पर गिरेगो वो टूक टूक है जाएगो, और ये जी पत्थर जा काऊ पे गिरो तो बाय धूर में मिला देगो। गुरु जी हम जानते हैं आप जो कहा तो सिखावत है वो साच है, हम जानते हैं कि आप काऊ की हैसियत पर ध्यान ना दे थो, पर मानस के लिए ईश्वर की इच्छा के सत्य सिखावत हो। हमको बताओ का हमारे लिए रोमी सरकार को चुंगी देवो हमारे नियम के विरुद्ध है कि नहीं? सावधान प्रभु, वे आपसे चाल चलेंगे। वो एक चांदी का सिक्का दिखाओ। यहाँ पे कौन को चेहरा और नाम है? तो जो कैसर को है वो सब कैसर को दो, और जो ईश्वर को है वो सब ईश्वर को दो। अब अखमीरी रोटी को परम निकट आयो, चाहे फंसे कह में है। और यीशु ने समोन पत्रस और यूहन्ना ने फसह को भोज तैयार करने को अगारी पठायो।
मेरी बड़ी इच्छा ही कि अपने दुख उठावे के पहले जा फसे को भोजन तुम्हारे संग खाऊं, क्योंकि मैं जेहू कहूं हूं कि जब तक ईश्वर के राज में बाको मतलब पूरा न हो मैं बाय कभू ना खाऊंगा। धन्य है हे प्रभु हमारे ईश्वर सृष्टि के राजा जो दाख लता में फल लावे है। जाए ले और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं कहूं हूं कि जब तक ईश्वर को राज ना आवे मैं दाख रस ना पियूंगा। धन्य है तू प्रभु हमारे ईश्वर सृष्टि के राजा जो धरती पे अन्न उपजावे है। ये मेरो शरीर है जो तुम्हारे लिए दियो जाए है, मेरी याद में जय कियो करो। जे कटोरा मेरे लहू में नई बाचा है जो तुम्हारे लिए बहे हो जाए है। पर देखो मोए धोखो देवे बारे को हाथ मेरे संग मेज पे है, और निश्चित ही मानुष पुत्र को मरुगो आवश्यक है जैसो ईश्वर ने ठहरायो है। पर हाय बा मनुष्य पे जाके द्वारा वो धोखो खाए है। जी ना है सके, असंभव। धोखो देवे बारे को नाम बताओ प्रभु। तुम्हें तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे की नहीं बने, और अगुआ सेवक के समान बने, क्योंकि बड़ों को है वो जो जैम है या वो जो परोसे है। अवश्य जो जैम में बैठे हैं, पर मैं तुम्हारे बीच परोसे वारों जैसो हूं। तुम मेरी शीघ्री परीक्षा में मेरे संग रहे हो, और चातरिया मेरे पिता ने मोगू राज करबे को हक दियो है, वैसे मैं तुम्हें वो ही अधिकार दऊ हूं। तुम मेरे संग मेरे राज में खाओगे पियोगे, और इसराइल के बारे गोत्रन पर राज करबे को सिंहासन पर बैठोगे। फिर तू को धोखो देवे वारन आए। सिमोन सिमोन देखो, शैतान तुम सबन की परीक्षा लेना चाहे है कि अच्छाई को बुराई से अलग करे जैसे किसान भूसे गेहूं थे। सिमोन मैंने तेरे ताई प्रार्थना की नहीं है कि तेरो विश्वास ना हटे, और जब तू मेरी ओर फिरे तो अपने भैयान को दृढ़ करियो। प्रभु मैं आपके संग जेल जावे को तैयार हूं, और संग में मरवे को भी। पतरस मैं तोते कहूं हूं कि आज मुर्गा के बांग देवे ते पहले तू तीन बेर इनकार करेगो कि मुझे जाने हैं। जब मैंने तुमको बिना बटुआ थैला या जूता के भेजो तो कछु कमी भाई ना है, कछु ना है। पर अब जाके पास बटुआ या थैला हो वो बाई ले ले, और जा काऊ के पास तरवार ना हो वो अपने वस्त्र बेच के खरीद ले। मैं कहूं हूं धर्मशास्त्र में जो लिखियो है और वो अपराधी में गिनो गयो, और जो कछु मेरे लिए लिखो है वो सच है रहो है। देखो यहां दो तलवार है प्रभु। इतेक बहुत है, और बड़े बूढ़े ने या जानवे को समाज हो रही कि बिना यीशु से छुटकारो कैसे मिले। तब शैतान ने यहूदा में प्रवेश कियो जाको उपनाम इस्क्रियोती हो, जो बारहन में थे एक हो। वाने बड़े बूढ़े के संग यीशु को फसाइबे को खजेंद्र रचियो,
यीशु यरूशलेम छोड़कर जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने चले गए। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यहूदा इस्करियोती ने चांदी के कुल 30 सिक्का के लिए यीशु से छल कियो। यीशु जानते हैं कि मानुष जाति के पापन के काजे बिन के काल की खड़ी शीघ्रता तो आ रही है। तब बिन ने प्रार्थना की थी, हे पिता, यदि आप चाहो तो जा कटोरा ए मुंह पे ती हटाए लियो, तो मेरी ना है पर आपकी इच्छा पूरी होए। और यीशु को शक्ति देवे के काजे आकाश ते एक सुरख दूत बिन के सम्मुख प्रकट भयो और बिन को पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदन की नाई धरती पे गिर रहे हो। तुम क्यों सो रहे हो? जागो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहूदा, का तू चूम के मानुष पुत्र को धोखो दे रहे हो है? प्रभु काम दरवाजे मारे जी बहुत है गयो। एक आश्चर्य, तुम्हें लठियां और तरवारें लेके आना पड़ो जैसे मैं अपराधी हो। मैं रोज ही तुम्हारे संग मंदिर में हो पर तुमने मुझको पकड़ने की कोशिश नहीं करी। पर जे तुम्हारे काम करने की घड़ी है, जब अंधकार को सामर्थ्य राज करे है। या गिरफ्तार करो। बाकी ठीक से रखवाली करो। सिपाही बिने आंगन में ले गए और यहूदियों को राजा कह के बिनको उपहास कियो। यही वो चोरा है जो राजा ने पहलो हमको कहा काहे विवारो है। का तू हमको बचावेगा महाराज? का तू हमको बचावे वारो है? जे मानसो यीशु के संग हतो। हे स्त्री, मैं तो जाकू जानू ही ना है। हमने तो उनको संग देखा हो। तुम्हारे दीन
चेवर गाँव पे दृष्टि उठाई में देखिए ऐसा लागे तुम ओपन में देखो पर मैं ना आया हूं चाहे कुसम का ना है कि जी आदमी ईसु के संग है तो बाकी अलावा जी कलीलू है चलो यार मुहे ना मालूम कि तुम कहां बतरा रहे हो ईसु ने मुड़ के सीधे पत्र से देखो तब पतरस को प्रभु की कही बात याद आई कि आज मुर्गा के बांग देवे तो पहले तू तीन बेर बात की नहीं करेगो कि तुम वो जाने हैं प्रभु हम विनती करे हैं कि आप जैसे हो वैसे अपने सामर्थ्य की महानता के जरिए काज करो प्रभु हमारे बाप दादा ने तुम्हारे वचनन को विरोध कियो तब क्रोधित है वे पे भी विन को नाश ना कियो पर विन को बचा लियो प्रभु पर विन के लिए अपने प्रेम के काजे वाचा और विश्वास के कारण और विन को बचा लियो तो कौन ने मारे हो बता भविष्यवाणी कर अब तो कौन मारेगा रोक दियो मैं कह दूं रोक दियो बाबू सभा के सन्मुख लाओ चल ईसु ते प्रश्न करी बेगू धार्मिक मुखियान की एक सभा जुड़ी हमको बता कहा तू ही है मसीह यदि मैं तुमसे कहूं तो तुम मेरा विश्वास ना करोगे और जब मैं तुमसे प्रश्न करूं तो तुम वो वाक उत्तर ना दोगे पर अब ते लेके मानुसपूत परम प्रधान ईश्वर तो का तुम ईश्वर पूत हो तुम कहो हो कि मैं हूं ये कहने को कर जादू कौन ने दी जो कछुबाने कहो हमने आप ही सुन लियो है हम याकूब पिलातुस के जोरे ले जाएंगे हाँ हाँ बापू ले जाओ चलो और वे ईसु पैंतीस पिलातुस के सम्मुख लाए जो रोमी शासकर में सत्य क्रूर और हजारन कुक्रूस पर चाहिए को इकलो ही उत्तरदायी हो और तेज सवेरे सवेरे यहाँ तुम मुझे कहा जाओ हमने जमानस को हमारे लोग बिगाड़ते भाई पकड़ो है यानी मंदिर की हाथ में उपद्रव किया है जगह दंड का होगो या को दंड दो मैं मनुष्य में दंड देवे योग्य कोई अपराध नहीं समझू हमने वह दोषी पायो है सम्राट को चुंगी देवे को लोगन को मना करत है खुद मसीह होवे को दावा करत है एक राजा राजा का तू यहूदियन को राजा है तुम जे कहो हो
बाने गलील से शुरू कियो अभी तक आयो है। गलील में का ये मनुष्य गलीली है? ऐसो है तो हेरोदेस ही बात व्यवहार करें। अभी तलक तो ये यरूशलेम में ही है ना, या हेरोदेस की ढिंग ले जाओ। तू स्वयं को का कहत है? तू अपना चेला बतावत है, वो कौन है? बहुत तेरे कहत हैं तू अचंभो दिखावे है। मेरे लिए हूं कछु कर। मेरे प्रभु, इस शीघ्र लोगन को भ्रष्ट करत रहे हो है, ये अपने आप को राजा कहत है। ये मानुष एक राजा? हे महाराज, चाकू अच्छी तरह घोड़ा लगवाओ। चाकू प्लातूस के जोड़े ले जाओ, जी बिनके प्रांत को है। मानुष ने मृत्युदंड पाएवे के योग्य कोई काम नहीं कियो है। या काजे में कूड़ा लगवाए के छोड़े दे तू। या त्योहार पे हमारे लिए एक मानुष छोड़वे काजे, आप हमारे ऋणी है। हमारे लिए छोड़ दो बरब्बा को। हाँ बरब्बा। और या मानुष से मरवा दो। हाँ हमको बरब्बा दो। बाय क्रूज पे चढ़ाओ। हाँ बाय क्रूज पे चढ़ाओ। तू तू यह क्या कूड़ा लगाओ। आप कहे के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं प्लातूस? वही तू है। बाने कछु ना कियो। बाकू उठाओ। पर वे जोर जोर से चीखते रहे कि इसमें क्रूस पे चढ़ाओ। तो पिलातुस ने यीशु मृत्यु दंड की आज्ञा दे देनी और बरब्बा को छोड़ दियो। जाए वे चाह रहे हैं, जबकि भू कत्ल और दंगा के अपराध में कारागार में हो, और यीशु क्रूस पर चढ़ाए वे को बिना सौंप दियो। दूर ले जाओ, बाहर छोड़ दो।
जाओ, हटो, हट जाओ, मैं जब कहूं तभी चलियो। ओ, क्या नाम का है? कुरान को सिमोन है श्रीमान। चालक भैया, रस्सी काटो। तुम बाप उठा ना चलो। आगे बढ़ो। हम रोवत है प्रभु, जागो पी लो जागो पी लो प्रभु। यरूशलेम की नारी हो, मेरे काजे मत रो, परंतु अपने और अपने बालकन के ताई रो, क्योंकि यदि वृक्ष हरो है तो बापे जी सब बीते है, तो जब वृक्ष सूखो होगो तो का होगो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, हम तिहारे ने प्रार्थना करेंगे। पिताजी ने क्षमा कर, जो कि जीना जानत के जे का करते हैं,
माने दूसरे ने क्यों बचाया है, अब अपने को बचावे। यदि तू मसीह है तो अपने को बचाए ले। हाँ, क्रूस पे ते नीचे उतरिया। अपने चमत्कार में ते एक तो दिखाओ। डाकून के बीच सूली पर लटकाए गए ताकि भविष्य वक्तान की सैकड़ों साल पहले करी गई भविष्यवाणी पूरी होए। जी कोई साधारण मानुष के लत्ता ना है। अरे सुनो, जान दो जान दो, मैं बताऊंगा। काम करो, पर्ची डाल लो। अरे नंबर देखा, अरे मेरा निकल गो, मेरा नंबर निकल गो भाई। अरे तू भाग्यशाली, तू जीत गया, लेकिन जाओ करे होगा। और बिन के सिर पे जी लिख के लटकाए दियो कि जी यहूदीन को राजा है। जय तू यहूदीन को राजा है तो अपने आप को बचा। तू मसीह ना, अपने को बचा और हमको भी। का तू इस फरते ना डरे, पाकू बोई तंड मिलियो जो तो को, लेकिन बानो को अपराध ना कियो। यीशु मो याद करियो जब तुम राजा बन के आओ। मैं बचन थे हूं, तू आज ही मेरे संग स्वर्ग लोक में होगो। अब दोपहर ही है गई और सबरे इलाके में 3 घंटा यानी 3 बजे लो अंधेरो छायो रहो। पर्दा ऊपर से नीचे लो, बीचों बीच से फट गए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथन में
समर्पित करूं। सिपाहीन के सरदार ने जो कछु भयो बाय देख के कही, ईश्वर की महिमा निश्चय ही जे धर्मी मानो सतो। धार्मिक सभा के सदस्य अरमतिया के यूसुफ जाने या काम के काजे अपनी सम्मति नाई दीनी ही पिलातोस ते ईसु की लहास मांगी जाते कि सूर्यास्त हैबे पे आराधना को दिन आरंभ हैबे ते पहले ही वाय कबर में धरे। क्षमा कर, हम अपने प्रभु की देह के पीछे जा रहे हैं। सबन को स्वागत है, पर आओ, विश्राम दिन है वे बारो है। रविवार को सवेरे सवेरे वे कबर पे अपनी सुगंधित वस्तुओं को लेके आई जो विनन ने स्वयं बनाई है। विनन ने कबर पे पत्थर लुड़को पायो और जब वे भीतर गई तो ईसु की लहास बिल्कुल वहां जगह नहीं मिली। तुम जिंदा को मरिन में चौन ढूंढा था वो यहाँ आए हैं पर वो जी उठ्यो है। याद करो जब वो गलील में हतो तब वाने तुमते का कही, मानसपूत पापी लोगन के हवाले कर दयो जाएगो, क्रूस पे चढ़ायो जाएगो और तीसरे दिना फिर जी उठेगो। हमने प्रवेश कियो, प्रभु की लाश माँ ना हती। प्रभु की लाश माँ ना है। और दो आदमी हमको प्रकट भय स्वर्ग दूत चमकते भय सूरज की हाई और बिन्दे हमते कही, तुम जिन दिन को मरे भय ने क्यों ढूंढ रहे हो, ये बात सच्ची है। हमारा विश्वास करो, विश्वास करो। हमने इनको देखो और तुम जाओ आप ही देख लो, कबर रीती हती हमारे प्रभु को चले गए। पत्रस तुमको हमारा विश्वास करना पड़ेगा।
यीशु अपने द्वय चलान को प्रकट भये। वे उत्साह से भरे दूसरे के ढिंग गए। प्रभु सांचमात में जी उठे, वे समुन को दिखे। हमने बिन गुनाह पहचानो, जब मार्ग में हते, जब बाने रोटी तोड़ी तभी हमने पहचाने। माउस में कितना अच्छा भया कि वो वहां पहुंचे। तुम्हें शांति मिले। तुम व्याकुल क्यों हो? ये शंकाएं तुम्हारे मन में क्यों उठे हैं? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव, और देखो कि मैं स्वयं हूं, मैं छू और तुम जानोगे। क्योंकि आत्मा में मांस और हड्डी ना हो जैसी तुम वो में देखो हो, मैं जिन्हीं बातन के विषय में तुमसे कहो करता हो जब तुम्हारे संग हो, कि हर बात जो मेरे लिए मूसा की व्यवस्था और भविष्य वक्तान के लेखन में और भजन संहिता में लिखी है पूरी होनी है। ऐसा लिखो है, मसीह को दुख उठानो और मृतकन में थे तीसरे दिन जी उठो अवश्य है, और बाई के नाम थे यरूशलेम ते ही मन फिराव और पापन की क्षमा को संदेश सबरी जातियन में प्रचारित किया जाएगो। तुम जिन बातन के साक्षी हो और मैं स्वयं अपने पिता को वचन तुम्हें देव हूं, तुम तब लो बाई शहर में ठहरे रहो जब लो तुम पे स्वर्ग ते सामर्थ ना आवे। प्रभु तुमको आशीष दें और रक्षा करें। धरती और स्वर्ग को सौरव अधिकार मोकु दियो गयो है। जालिये जाओ, सबरी जातियों को शिक्षा दियो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ते बपतिस्मा दियो। जिन बातन की आज्ञा मैंने तुमको दई है जिनको मानवो सिखाओ। देखो मैं संसार के अंतलों सदैव तुम्हारे संग हूं। जा कब्र में यीशु की लाश धरी, वो आज खाली है। क्रूस पे चढ़ाए जाए वे के तीसरे दिना वे मृतकन में ते जी उठे। वे जीवित हैं, वे आपके जीवन में आनो चाहे हैं। यीशु ने स्वयं कहो, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। वो जो मुंह में विश्वास करे है यदि मरे हो जाए तो जीतो रहे वो। करीब 2000 वर्ष है चुके जब यीशु मृतकन में थे जी उठे, और वे अभी तक आज हूं एक महान और शक्तिशाली प्रभाव के रूप में संसार में जीवित हैं। पूर्व शताब्दीन के अहंकारी पदधारी आए और चले गए, मुक्त तेरे शासक, विद्वान, वैज्ञानिक, विचारक और धर्मगुरु आए और चले गए, परंतु यीशु आज भी जीवित हैं। वे संसार के सबसे अनोखे मानुष हैं, जो संसार में भये, बिन को जन्मो अनोखी तरिया ते भयो। बाइबल हमें बतावे कि वे कुवारी मरियम ते जन्मे हैं। बिन को जीवन अद्वितीय हो, बिन को जीवन अलौकिक शक्ति ते चरितार्थ भयो, बिन ने पाप रहित पवित्र जीवन व्यतीत कियो, और बिन लोगन तेऊ बड़े बड़े अचरज भरे काम कीने जो या धरती पे रह के काऊ निर्णय कीने। बिन के संदेश अद्भुत हते, वे प्रेम और क्षमा देवे हैं, और बिन लोगन को जीवन को नयो मार्ग देवे हैं जो बिन को अपनो उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करे हैं। बिन को सुसंदेश जहां जहां गयो है वहीं नयो जीवन, नई आशा और जीवन को नयो उद्देश्य जागृत भयो है। क्रूस पे बिन की मृत्यु विलक्षण ही। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपनो इकलौतो पुत्र ईसुए संसार के सबरे मानुसन के पापन के काजे
बलिदान है वो को भेजो, वे आपके काजे मरे, बिन को जी उठनो अद्भुत हो, बिन की मृत्यु के तीसरे दिन ही इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटित भई, यीशु मरे भयन में ते जी उठे, बिन को जन्म बिन को जीवन बिन की मृत्यु और बिन को जी उठनो जैसी सबरी बातें या बात ने सिद्ध करे हैं कि वे वास्तव में वे ही है, जा बात बिन ने दृढ़ता से कही कि वे परमेश्वर के पुत्र और मानव जाति के उद्धार करता है, जय यीशु आज जीवित हैं, वे आपके जीवन में प्रवेश करनो चाहे हैं, पाप क्षमा करनो आप बहुतायत को जीवन देनो चाहे हैं, बिन के वचन सुनो। हे सब परिश्रम करवे बारे और बोझते दबे भाई लोगों, मेरे ढिंग आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगो, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, कोई मानुष बिन मेरे पिता तक न पहुंच सके है। बाइबल कहे है कि सबन ने पाप किए और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। ये कहे है कि पाप की मजूरी मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर को इनाम अनंत जीवन है। जब यीशु मरे तो बिन ने आपके पापन को दंड चुकाए दियो, याई घड़ी वे आपके जीवन में प्रवेश करबे को तैयार ठाड़े हैं। देखो मैं हृदय के द्वार पे खड़ा भयो खटखटाऊ हूँ, जब को मानुष मेरी बानी सुन के द्वार खोलेगो तो मैं भीतर प्रवेश करूंगो, बिन के प्रेम क्षमा और अनंत जीवन को अनुभव प्राप्त करबे के काजे आपको मानना चाहिए कि वे आपके पापन के कारण परमेश्वर के द्वारा दिए गए बलिदान हैं, या लिए बिने अपने जीवन में विश्वास के संग स्वीकार करना चाहिए। यदि आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप विश्वास से प्रार्थना करें और यीशु आपके जीवन में आवेंगे। ये एक सुझाई भी प्रार्थना है, जाए मैं पहले बोलूंगो। प्रभु यीशु मोकू आपकी जरूरत है, क्रूस पे मेरे पापन के काजे मरिबे के लिए आपको मैं धन्यवाद दे हूं, मैं अपने हृदय के कपाट को खोलू हूं और आप अपनो प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करू हूं, मेरे जीवन को नियंत्रण आप अपने हाथन में लेके वो ऐसो आदमी बनाओ जैसो आप मुझे बनानो चाहो हो, आमीन। जब जी प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करे है तो आप जहां कहूं भी होए या इस समय या प्रार्थनाएं करें, मेरे पीछे पीछे खामोशी थे एक एक वाक्य को दोहरावे जैसो मैं बोलू हूं। हे प्रभु यीशु मुझे आपकी आवश्यकता है, क्रूस पे मेरे पापन के कारण मरने के काजे मैं आपको धन्यवाद देऊ हूं, मैं अपने हृदय के कपाटन को खोलू हूं और आपको अपनो प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करू हूं, मेरे जीवन को नियंत्रण अपने हाथन में लो और मुझको ऐसो आदमी बनाओ जैसो आप मुझे बनानो चाहो हो, आमीन। अब जब आपने जी प्रार्थना करके ईश्वर अपने जीवन में बुलायो है तो आप निश्चय जानो कि वे आपके निवेदन और अपने वचनन के अनुसार आपके जीवन में आए हैं। आप जेऊ निश्चय जानो कि आपके पाप क्षमा भय हैं, आप ईश्वर की संतान हैं और अनंत जीवन आपको है। यदि आप भरपूर और बहुतायत को जीवन अनुभव करना चाहो जाको वचन प्रभु ने दियो है, तो आप प्रतिदिन प्रार्थना में बिन सो बातें करो, बाइबल पढ़ के अपने जीवन के काजे बिन की योजना की खोज करो और बिन के अनुयायी और प्रेम करीबे वारन की संगति में रहो। अंत में मैं जे कहूं हूं कि बिन के अद्भुत वचनन को सदैव याद रखो। मैं तुमको कभू न छोड़ूंगो और न त्यागूंगो, देखो मैं जगत के अंतलों सर्वदा तुम्हारी संग हूं।